डीके गोयल की कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। और हमने आज पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर है और उसके ऊपर हमारा सेकंड लेक्चर है। हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था, पार्टनरशिप है क्या, पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी, पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, और इसके बाद पढ़ा कि पार्टनरशिप की नेचर क्या है, पार्टनरशिप की नेचर क्या है, पढ़ लिया था। इसके बाद हमारा एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया था पहले लेक्चर में, वो उसी को पूरा करते हैं कि हमारे जो साझेदार हैं, हमारे जो पार्टनर हैं, उनके क्या-क्या अधिकार हैं, उनके क्या-क्या अधिकार हैं, राइट्स हैं। तो क्या-क्या राइट्स हैं, जो भी पार्टनर हैं उनको देखना आपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में देना होगा। तो उसी तरह क्या क्या राइट है, नंबर एक है लाभ हानि में हिस्सा, लाभ हानि में हिस्सा ले सकता है, शेयर पाने का पूरी तरह से अधिकार है। इसी प्रकार से व्यवसाय के संचालन में भाग लेना, व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का पूरा अधिकार है। इसी तरह प्रत्येक साझेदार को अधिकार है कि वह पार्टनरशिप से संबंधित जितने भी मामले हैं उनमें परामर्श दे सकता है, कंसल्ट कर सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप अकेले व्यक्ति की नहीं है, सभी के समायोज से है। और इसके बाद है कि लेखा पुस्तकों को जांचने का अधिकार, लेखा पुस्तकों को जांचने का अधिकार, वह उनकी जांच कर सकता है। इसके साथ साथ वह उसकी फोटोकॉपी भी ले सकता है, बुक्स उसने बनाई है बुक्स बना सकता है, उसकी फोटोकॉपी भी ले सकता है। इसके बाद जो भी हमारी एसेट है उनका क्या है, वो एसेट है उनका संयुक्त स्वामी है, अकेला नहीं है, सभी को ओनर है, सभी उसके स्वामी बने रहेंगे। हमने कोई भी संपत्ति खरीदी है सभी साझेदारों का उसके ऊपर ओनरशिप है। इसके बाद अगर किसी साझेदार ने फर्म को लोन दिया है, फर्म को लोन दे रखा है, तो उसके ऊपर क्या पा सकता है, वो ब्याज पा सकता है। कितना ब्याज पाएगा, 6% पर एनम, या पूरो निर्धारित दर से दिया जाएगा। अगर कुछ नहीं कह रखा तो 6%, नहीं तो निर्धारित दर से, किससे, जो भी हम रेट डिसाइड कर लेंगे उसी के हिसाब से उसको पे करना पड़ेगा। सातवां पॉइंट क्या है, अगर कोई भी एक्सपेंसेस पे करता है, एक्सपेंसेस का भुगतान करता है कोई, एक्सपेंसेस का क्या करता है कोई, पे करता है या भुगतान करता है, मान लो मैं मार्केट में गया और कोई सामान ले आया, तो उस सामान के पैसे मेरे को वापस मिल जाएंगे, वापस रिमबर्स करवा सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप तो सभी की है ना, ये तो है नहीं कि सभी की सहयोग से चलेगी। और लास्ट पॉइंट क्या है, फर्म को नोटिस देने के पश्चात अवकाश ग्रहण कर सकता है, अगर कभी भी जाना है तो एक नोटिस दो, बाय बाय कर सकते हैं, लेकिन एक उचित समय के साथ साथ आपको नोटिस देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं कहता हूं, जब कोई भी फर्म में साझेदार प्रवेश करेगा तो सभी साझेदारों की सहमति से आएगा, ऐसे नहीं आएगा, सभी साझेदारों की सहमति से आएगा। तो ये साझेदार के एक पार्टनरशिप में अधिकार है और अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। हमारे संविधान में भी अधिकारों की बात की गई है और उसके साथ साथ ड्यूटी की भी बात की गई है, वो भी आपको जानना है कि हमारी ड्यूटी क्या है। सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना, समय का सदुपयोग करना हमारी ड्यूटी है, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख।
पार्टनरशिप डीड, कोई बताएगा पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख, मैं इसके बारे में किसी से पूछना चाहता हूँ, कोई बताएगा? बताए किसी को पार्टनरशिप डीड के बारे में? जब भी चैप्टर स्टार्ट होता है उससे पहले थोड़ा पढ़ लिया करो बेटा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होगी। आपके लिए एक टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ, समझ आ जाएगा जब भी टीचर दोबारा बताएगा। बहुत सारे बच्चे एडवांस में बोलते हैं, आपने किसी ने नहीं बोला ये। तो पार्टनरशिप डीड के बारे में बात करता हूँ मैं, सिंपल सी बात करता हूँ। पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी शर्तें वह नियमों का उल्लेख होता है। एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग कर ली भाई, पार्टनरशिप का नाम क्या है, पार्टनरशिप का पता क्या है, कौन कौन पार्टनर होंगे, और कल को कोई बात हो जाए ना, यही काम करता है। समझ आ रही है? तो इसमें एक पार्टनरशिप है, सलेख बना लिया जाता है, समझ आ रही है? फर्म का नाम है, अगर ये ना बनाए तो इसको, अगर ये नहीं बनाए तो क्या लागू होता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के नियम लागू होते हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के नियम लागू होते हैं, वो फॉलो हो गए। और इसको क्या बोला जाता है? आर्टिकल, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप बोला जाता है इसको। फर्म का नाम, पता, गार्नम मर्रे का नियम है जो दिवालियापन की स्थिति में दिया गया था। इसके साथ साथ पूंजी पर ब्याज कितना होगा, पूंजी कितनी, आहरण पर ब्याज कितना होगा, यानी कि जो भी बातें हैं इसमें लिख ली जाती हैं, और उसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। अगर किसी प्रकार का मान लो कोई झगड़ा हो जाता है तो उसका निपटारा अवधि क्या होगी, किस कोर्ट में इसको निपटान किया जाएगा, कब पूंजी विड्रॉ की जाएगी, कितनी पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, साझेदार को वेतन क्या होगा, कमीशन क्या होगा, इसके साथ साथ अवकाश ग्रहण करेगा या कोई रिटायरमेंट हो जाता है तो उसका नियम क्या होगा, ऑडिट कैसे कराई जाएगी, साझेदारी किस उद्देश्य के लिए प्रारंभ की गई थी, कब तक प्रारंभ, कब तक रहेगी, मान लो किसी खास ऑब्जेक्टिव के लिए की गई है। तो इस प्रकार सारे के सारे जो नियम होते हैं वो पार्टनरशिप डीड में लिखे जाते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के नियम लागू हो जाते हैं। अब बात आती है कि पार्टनरशिप डीड की इम्पोर्टेंस क्या है, पार्टनरशिप डीड की इम्पोर्टेंस क्या है, इसी के बारे में बात करेंगे अभी। इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, सबसे पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं, बहुत बार हरियाणा बोर्ड के एग्जाम में, सीबीएसई के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी है। नहीं बेटा, नहीं, पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी नहीं है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि साझेदारी स्लिप बनाना अनिवार्य है। नहीं, साझेदारी स्लिप बनाना अनिवार्य नहीं है। अगर, और साझेदारी स्लिप मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। अगर लिखित में बना लिया जाए, लिखित में इसको कर लिया जाए तो इसके बहुत फायदे होते हैं। और क्या क्या फायदे होते हैं? नंबर एक, जो हमारे साझेदार हैं, साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य, दायित्व का उल्लेख हो जाता है, स्पष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट क्या है? साझेदारी संलेख की मदद से, साझेदारी संलेख की मदद से अगर कोई भी विवाद हो जाए, कोई भी विवाद हो जाए, आसानी से निपटारा किया जा सकता है। और इसके साथ साथ कानून में एक सबूत का प्रमाण बन जाता है। और जरूरी है अगर साझेदारी संलेख को आप रजिस्टर्ड करवा ले तो बहुत फायदा रहता है। दो तीन बातें आइए कर लिए, ध्यान से सुना, साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य नहीं है, अगर बनाया जाए तो लिखित में बनाए और उसके ऊपर साइन करवा ले सभी की। समझ आ रही है?
रजिस्टर्ड करवा लेने हैं जो नोटरी से, जैसे एफिडेविट बनवाते हैं ना इनकम का कास्ट का नोटरी करवाते हैं, उसी प्रकार से कोर्ट के थ्रू एक एग्रीमेंट बन जाएगा और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाएगा। समझ आ रही है? तो साझेदारी सलेख का लिखित में होने जा बहुत फायदा होता है। कोई भी चीज़ ये हो जाए लिखित में, आप कौन कह सकता आपने 10वीं पढ़ के आई है, 10वीं की एक DMC है, लिखित में होने बहुत फायदा होता है। समझ आ रही है? तो उसी प्रकार पार्टनरशिप डीड का लिखित में होना इम्पोर्टेंस है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा कि अगर पार्टनरशिप डीड ना बनाया जाए, पार्टनरशिप डीड ना बनाया जाए तो क्या होगा, क्या होगा? बात तो पहले कर चुके हैं, इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी सलेख की अनुपस्थिति में लागू होने वाले नियम पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू हो जाएगा। पार्टनरशिप डीड